मध्य प्रदेश संविदा विद्युत कर्मियों एवं आउटसोर्सिंग श्रमिक संघ के द्वारा आंदोलन की द्वितीय चरण शुरू किया गया। अपनी मांगों को लेकर यह संगठन प्रदर्शन कर रहा है। वहीं संगठन का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे वह अभी तक पूरे नहीं किए हैं। इसके साथ ही इनकी 9 मामलों में प्रमुख मांग संविदा कर्मियों को परमानेंट करना एवं 7वें वेतनमान का लाभ लेना है एवं अनुकंपा नियुक्ति में विसंगतियों को दूर करना है। अपनी इन मांगों को लेकर आज कर्मचारियों ने सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि जल्द से जल्द इनकी सभी 9 मांगों को पूरा किया जाए। कर्मचारी एकता, हमारी मांग है, पूरी हो। हमारी मांग है, पूरी हो। कर्मचारी एकता, हमारी। मेरा नाम आरसी झा, निजी कर्मचारी महासंघ का वृत्त अध्यक्ष का दायित्व है। आज संविदा के कर्मचारियों को लेकर आंदोलन के दूसरे चरण में संविदा का जो ऐसे ही कि वर्तमान सरकार के घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया था कि मध्य प्रदेश के अंदर समस्त संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे, आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मचारी उनको भी नियमित करेंगे और 60 दिन के अंदर जो रिक्त पद पड़े हैं विद्युत मंडल के अंदर उनको भर्ती की जाएगी और जो कर्मचारी संविदा कर्मचारी किसी कारणवश बाहर निकाले गए हैं उनको हम बहाल करेंगे और साथ में ही हमारी जो और मांग है जिसमें अनुकंपा नियुक्ति जो वर्तमान में चल रही है वो अनुकंपा नियुक्ति में सुधार किए जाए, क्योंकि सुधार नहीं होने के कारण कई कर्मचारी क्या अपात्र घोषित हो गए हैं। अनुकंपा नीति में सुधार किया जाए और अगला बिंदु हमारा क्या है कि विद्युत सोसाइटी की जो कर्मचारी है, सोसाइटी कर्मचारियों को हाईकोर्ट इंदौर ने, हाईकोर्ट जबलपुर ने निर्णय कर दिया कि इनको पेंशन दी जाए, इनको 5वें वेतनमान का लाभ दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि भाई जो हाईकोर्ट ने डिसीजन किया वो सही किया, तो हमारी सोसाइटी के जो कर्मचारी हैं उनको 5वें वेतनमान का लाभ दिया जाए और पेंशन सुविधा उनको लागू किया जाए। इन्हीं 9 बिंदुओं को लेकर आज हम मध्य प्रदेश शासन को ज्ञापन देने जा रहे हैं।